रिश्तों की नसीहत है, घर घर की हकीकत है। रिश्तों की नसीहत है, घर घर की हकीकत है। दिल्ली शहर में छोटा सा परिवार एक था, बीबी भी नेक दिल की थी, शौहर भी नेक था। सब कुछ था घर में उनके, बस औलाद नहीं थी। दोनों की खुदा ने सुनी फरियाद नहीं थी। पीरों फकीरों से मिले, दरगाहों में गए, वलियों के दर को चूमा, बारगाहों में गए। मजलूमों को खाना खिला, खैरात बांट, बदले में एक बच्चे की सौगात मांगते। रोते बिलखते दोनों थे अपने नसीब पर, रहमत नहीं क्यों हो रही हम बदनसीब पर। दर दर भटक के दोनों ने ही हार मान ली, अपने मुकद्दरों की है ये मार मान ली। रिश्तों की नसीहत है, घर घर की हकीकत है। रिश्तों की नसीहत है, घर घर की हकीकत है। होकर के गमजदा वो दोनों बैठे थे घर में, कोई रास्ता न उनको आ रहा था नजर में। दोनों ही एक दिन अनाथ आश्रम गए, बच्चा गोद लेने का बना के मन गए। बच्चा एक गोद लेके घर को आते हैं, दोनों ही खुशी से ना फूले समाते हैं। उनको जैसे खुशियों का खजाना मिल गया, दोनों को जैसे जीने का बहाना मिल गया। माँ बाप के साए में बेटा बढ़ने लगा था, एक अच्छे से स्कूल में वो पढ़ने लगा था। बेटे की हर खुशी में थी उन दोनों की खुशी, कुछ भी वो मांगता तो मना करते ना कभी। रिश्तों की नसीहत है, घर घर की हकीकत है। रिश्तों की नसीहत है, घर घर की हकीकत है। हाँ धीरे धीरे बेटे की बढ़ने लगी उम्र, उनकी परवरिश का उस पे यूं हुआ असर। धीरे धीरे उसकी वो दहलीज आ गई, आंखों में शर्म, बातों में तमीज आ गई। हर बात वालदेन की वो मानने लगा, कारोबार सारा वो संभालने लगा। माँ बाप को खुशी थी कि औलाद नेक है, बेटा हमारा नेक है, लाखों में एक है। होनी को मगर कौन यहाँ टाल सका है, किस्मत की समझ कौन यहाँ चाल सका है। ऑफिस में काम करने वाली एक थी लड़की, लड़की से एक रोज नजर लड़ गई उसकी। रिश्तों की नसीहत है, घर घर की हकीकत है। रिश्तों की नसीहत है, घर घर की हकीकत है। नजरें हुई जो चार, उनको प्यार हो गया। कुछ ही दिनों में इतना ऐतबार हो गया। ऑफिस के बाद दोनों साथ घूमने लगे, सपनों में उड़ रहे आकाश चूमने लगे। कारोबार
पार उसके नाम कर दिया। अब आगे देखिए कि बेटे ने क्या किया, कोर्ट में उस लड़की को पत्नी बना लिया। बेटे ने तोड़ डाला था माँ बाप का सपना, माँ बाप ने सब दे दिया जो पास था अपना। रिश्तों की नसीहत है घर घर की हकीकत है, रिश्तों की नसीहत है घर घर की हकीकत है। माँ बाप चर्चा कर रहे बेटे के ब्याह की, सुंदर सी बहू लाएंगे ये उनकी चाह थी। लड़की को देखने के लिए जाना था कहीं, रिश्ता पक्का करके आज आना था कहीं। माँ बाप सोचते थे घर में आएगी बहू, खुशियों से घर के बाग को महकाएगी बहू। बेटा बहू के साथ तभी घर में आता है, पल भर में उनके घर में क्या से क्या हो जाता है। माँ को नहीं यकीन था अपनी ही आंखों पर, और बाप भी हैरान था बेटे की बातों पर। फिर बाप ने कहा कि हमको पहले बताते, इस लड़की को ही ब्याह करके घर में ले आते। रिश्तों की नसीहत है घर घर की हकीकत है, रिश्तों की नसीहत है घर घर की हकीकत है। शादी किए उन दोनों को 6 माह न गुजरे, हर दिन ही उसकी बीवी के बढ़ने लगे नखरे। जो काम करने वाले थे उनको भगा दिया, और झाड़ू पोछे में ससुर जी को लगा दिया। बेशर्म सी औरत वो हो गई थी बेहिसाब, सभी के आगे बैठ के पीने लगी शराब। माँ के समान सास से करवाती है वो काम, दिन भर वो काम करती है मिलता नहीं आराम। एक रात अपने कमरे में दोनों नशे में थे, माँ बाप थे भूखे मगर दोनों मजे में थे। डूबी नशे में बीबी ने शौहर से जो कहा, सच मानिए किसी से भी ना जाएगा सुना। रिश्तों की नसीहत है घर घर की हकीकत है, रिश्तों की नसीहत है घर घर की हकीकत है। हालत में नशे की जुबान खोलती है वो, माँ बाप को निकालो घर से बोलती है वो। उन दोनों को तुम जाओ छोड़ आओ आश्रम, वरना तुम्हारे साथ में नहीं रहेंगे हम। हंसते हुए पति ने अपनी पत्नी से कहा, होने तो सुबह उनको छोड़ आऊंगा वहाँ। बाहर खड़ी थी माँ उनकी बात सुन रही, माँ आज की औलाद के हालात सुन रही। फट गया कलेजा था आंखें बरस रही, ममता बिखर चुकी थी सांसें अटक रही। इस तन में मेरी सांसें अब भी चल रही है क्यों, इस तन से मेरी जान ना निकल रही है क्यों। रिश्तों की नसीहत है घर घर की हकीकत है, रिश्तों की नसीहत है घर घर की हकीकत है। सपने बिखर
बिखर चुके थे दोनों सिसक रहे, अपना जिन्हें बनाया था वो अपने ना रहे, दोनों ही रो रहे थे अपने नसीब पर, और आधी रात में वो चुपचाप बैठ कर मैं पूछता हूँ तुझसे तू बता मेरी खता। रोते हुए फिर दोनों ही घर से निकल पड़े और रास्ता जो भी मिला वो उस पे चल पड़े। कल तक था कारोबार सारा जिनके हाथों में, अब देखिए तकदीर भटकते हैं रातों में। रिश्तों की नसीहत है घर घर की हकीकत है, रिश्तों की नसीहत है घर घर की हकीकत है। बेटा बहू वो दोनों ही सो करके जब उठे, पूरे घर में देखा पर माँ बाप ना दिखे। बहू की बात छोड़ो बेटा हैरान था, माँ बाप के लिए थोड़ा परेशान था। सोफे के ऊपर देखा एक पर्चा पड़ा था और बाप की लिखाई में कुछ उस पे लिखा था, हमने तुमको आखिरी सहारा माना था, अरे अपने वंश का तुझे किनारा माना था। घर बार छोड़ करके दोनों जा रहे हैं हम, अपनी खताओं की सजा को पा रहे हैं हम। हम इस तरह से बेटा तुम्हें भूल जाएंगे, तुम ढूंढ ना सकोगे इतनी दूर जाएंगे। रिश्तों की नसीहत है घर घर की हकीकत है, रिश्तों की नसीहत है घर घर की हकीकत है। अब आगे किस्मतों का आप खेल देखिए, दोनों का एक बच्ची से मेल देखिए। चलते चलते रुक गए थक हार के दोनों, फिर बैठ गए अपने मन को मार के दोनों। चुपचाप दोनों बैठ के आंसू बहा रहे और दर्द अपने अपने वो दोनों छुपा रहे। रुकती है तभी कार एक सामने उनके, दिखती है एक छोटी सी बच्ची सामने उनके। बेटी ने पूछा उनसे कहां आपको जाना, पहुंचा मैं दूंगी वहां जहां आपको जाना। बोला वो बेटी से रोना घर न ठिकाना, कैसे बताएं बेटी हमको किधर है जाना। रिश्तों की नसीहत है घर घर की हकीकत है, रिश्तों की नसीहत है घर घर की हकीकत है। वो लड़की अपनी गाड़ी से उतर के आ गई, तकदीर जैसे दोनों की थी चल के आ गई। लड़की ने कहा उनसे मेरे साथ तुम चलो, मान लो हमारी दोनों साथ तुम चलो। मैं भी हूँ अनाथ, माँ बाप है नहीं, रहती हूँ मैं अकेली कोई साथ है नहीं। थोड़ी ही दूर पर यहाँ से है हमारा घर, चलता है मेरा ढाबा मेरे घर के ही अंदर। आ जाओ मेरे साथ मिलके साथ रहेंगे, सुख हो या गम की रात मिलके साथ सहेंगे। तुमको कसम हमारी देखो करना ना मना, तुम
जैसे मम्मी पापा मैं तो पाऊंगी कहा। रिश्तों की नसीहत है घर घर की हकीकत है, रिश्तों की नसीहत है घर घर की हकीकत है। बच्ची के साथ दोनों बैठ कर चले गए, किस्मत की बात उसको सोच कर चले गए। अब आइए दिखाते हैं बेटे बहू का हाल, घर बार सारा बन गया शॉपिंग का जैसे मॉल। पीने पिलाने का यारों दौर चल रहा, बेशर्मियों का देखो कैसे शोर चल रहा। बीवी किसी की है मगर बाहें किसी की है, शौहर किसी के हैं तो निगाहें किसी की हैं। आने वाली नस्लें इनकी जाएंगी कहाँ, मालूम नहीं ये ठिकाना पाएंगी कहाँ। उनसे तो अच्छा है कि ये औलाद ही न हो, औलाद के लिए कोई फरियाद ही न हो। रिश्तों की नसीहत है घर घर की हकीकत है, रिश्तों की नसीहत है घर घर की हकीकत है। अब बेटे बहू दोनों के हालात देखिए, उस लड़की की जो असली थी औकात देखिए। शौहर के बाहर जाते लगी यार बुलाने, अपना पुराना वाला लगी प्यार बुलाने। एक रोज उसके यार संग में देखा पति ने, कब से ये चल रहा है इश्क पूछा पति ने। ऐसे बनेगी बात न दिल में समझ गई, माफी की बात छोड़ दो उल्टे उलझ गई। देखते ही देखते तकरार बढ़ गई, उसको पति के हाथों से जब मार पड़ गई। थोड़ी सी शर्म बाकी थी वो भी निकल गई, उस बेहया को देखिए घर से निकल गई। रिश्तों की नसीहत है घर घर की हकीकत है, रिश्तों की नसीहत है घर घर की हकीकत है। रह गया अकेला घर में कोई ना रहा, माँ बाप का अब प्यार उसको याद आ रहा। कुछ ही दिनों में उसकी तो सूरत बदल गई, और हो गया कमजोर वो हालत बिगड़ गई। माँ बाप को वो याद करके रोने लगा है, अपने गुनाह आंसुओं से धोने लगा है। तौबा करने के लिए अजमेर आ गया वो सजदा करने के लिए। ख्वाजा पिया की आ गया था बारगाह में, वो बैठा रहता देर तक उनकी पनाह में। माफी वो मांगता था दर पे नाक रगड़ता, पीरों फकीरों के वो जाके पांव पकड़ता। रिश्तों की नसीहत है घर घर की हकीकत है, रिश्तों की नसीहत है घर घर की हकीकत है। अजमेर से माँ बाप को वो ढूंढने चला, कदमों को आज बेटा उनका चूमने चला। ख्वाजा पिया की लड़के पे यूं हो गई नजर, अजमेरी जी की रहमतों का देखिए असर। वो लड़की जो उस रोज उनको घर ले आई थी, लगती थी उनकी कोक की जबकि पराई थी। बेटी को अपने हाथ से खाना
सर पे अपनी गोद में उसको सुलाती थी। उस बच्ची को माँ बाप का था प्यार मिल गया, तन्हा थी उसको खुशियों का संसार मिल गया। खाना बनाते तीनों की ढाबा चलाते थे, सैलानी दूर दूर से खाने को आते थे। रिश्तों की नसीहत है घर घर की हकीकत है, रिश्तों की नसीहत है घर घर की हकीकत है। बेटा तलाशने चला माँ बाप के निशान, अब तक वो ढूंढ आया था जाने कहाँ कहाँ। शाम होने को चली थी भूख लग गई, ढाबे के आगे आके उसकी गाड़ी रुक गई। बिगड़ी थी उसकी सूरत, हालत खराब थी, बीमार लग रहा था, सूरत उदास थी, बेचैन लग रहा था वो कुर्सी पे बैठ कर। माँ बाप थे रसोई में उससे था बेखबर। माँ की नजर जो घूमी तो बेटे पे पड़ गई, जो सोच चुकी थी ममता माँ की वो उमड़ गई। हाँ सच कहा गया है कि होती है ऐसी माँ, औलाद के लिए तो बस दुआ है करती माँ। रिश्तों की नसीहत है घर घर की हकीकत है, रिश्तों की नसीहत है घर घर की हकीकत है। माँ जानती थी बेटे के खाने की हर पसंद, हाथों से अपने थाली सजाने लगी तुरंत। बोली पति से बेटा अपना खाने आया है, बोला पति वो रूठ के किसने बुलाया है। ये इतनी दूर इस शहर में कैसे आ गया, किसने बताया उसको या किसने दिया पता। थाली सजा के माँ ने फिर बेटी से यूं कहा, ले जाओ उसके पास वो जो बैठा है वहाँ। जो भी वो मांगे बेटी उसको प्यार से खिला, वो तेरे भाई जैसा है दुलार से खिला। बेटी न समझ पाई थी ये माजरा है क्या, ना जाने आज मेरी माँ को हो गया है क्या। रिश्तों की नसीहत है घर घर की हकीकत है, रिश्तों की नसीहत है घर घर की हकीकत है। खाने की थाली बेटी ने टेबल पे रख दिया, फिर प्यार से बोली कि आप खाइए भैया। जब हाथ में उठाया उसने पहला निवाला, फिर चौक सा पड़ा वो खाना मुंह में जो डाला। स्वाद उसको खाने का पहचाना सा लगा, खाना ये माँ के हाथ का खजाना सा लगा। खाना बनाया किसने ये बताइए बहन, अपनी रसोई मुझको भी दिखलाइए बहन। लड़की बोली कमी हो तो बोल दीजिए, खा तो लीजिए भले ना बोल दीजिए। इतना की बोल करके बहन वो चली गई, फिर उसके पीछे पीछे वो भी आ गया वही। रिश्तों की नसीहत है घर घर की हकीकत है, रिश्तों की नसीहत है घर घर की हकीकत है। फिर जैसे नजर लड़के की माँ बाप पर गई,
उसके बदन से जैसे बिजली गुजर गई। कैसे बताऊं बन गए हालात क्या वहां, कोई कलम उस बात का न कर सके बयां। आंखों से हर किसी के बरसात हो रही, ख्वाजा के कर्म से ये मुलाकात हो रही। लड़की वो छोटी खड़ी खड़ी देख रही है, क्या है ये माजरा वो यही सोच रही है। तेरी ले लूं आज बलैया, रिश्तों की नसीहत है घर घर की हकीकत है। रिश्तों की नसीहत है घर घर की हकीकत है। ख्वाजा का कर्म देखिए सब एक हो गए, दिल हो चुके थे साफ सभी नेक हो गए। उस लड़की को भी देखिए परिवार मिल गया, माँ बाप के संग खुशियों का संसार मिल गया। उनकी बहू जो रूठ के घर छोड़ गई थी, रिश्ता जो हमेशा के लिए तोड़ गई थी, ख्वाजा के कर्म से उसे भी आ गई अकल। बिगड़ी हुई जो पूरी थी पूरी गई बदल। देखिए वो फिर से अपने घर में आ गई, बहू वो नेक बन के दिलों में समा गई। माँ बाप ने बहू को दिल से माफ कर दिया, ख्वाजा पिया ने देखो ये इंसाफ कर दिया। रिश्तों की नसीहत है घर घर की हकीकत है। रिश्तों की नसीहत है घर घर की हकीकत है। रिश्तों की नसीहत।